नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का पहला स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल। सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत ने बड़ा आयाम तय करते हुए देश में ही बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल किया गया है। पहली खेप में दो विमान वायुसेना में शामिल किए गए हैं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहां एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट में एक कार्यक्रम के दौरान वायुसेना को दो तेजस विमान सौंपे। पहली स्क्वाड्रन को फ्लाइंग ड्रैगर्स नाम दिया गया है। समारोह के दौरान कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन माधव रंगचारी ने एक तेजस विमान को उड़ाया। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने देसी विमान की तारीफ करते हुए इसे वायुसेना में शामिल करने के लिए अच्छा बताया। उत्तराखंड में बादल फटे, 20 से अधिक के मरने की आशंका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में शुक्रवार को बादल फटने और उसके बाद हुए भूस्खलन से 20 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। सूत्रों ने बताया कि पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील के सिकोड़ी गांव में बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन से कई मकान धराशायी हो गए, जिनके नीचे करीब 30 लोग और 50 से ज्यादा पशु दब गए। इनमें से 4 लोगों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जिले में संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं, इसलिए वहां सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की जा रही है। मोली जिले में भी बादल फटने की एक अन्य घटना में 3 लोगों के मरने की आशंका है। कुवैत में आग से 5 भारतीयों समेत 9 लोगों की मौत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी के 15 किलोमीटर दक्षिण में फरवानिया उपनगर स्थित एक पुरानी इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस पुरानी इमारत में विदेशी श्रमिक रहते थे और गुरुवार को आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 5 भारत और 4 पाकिस्तान के नागरिक हैं। घायल हुए 12 लोगों में 5 की हालत गंभीर है। मध्यम दूरी की मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण। भारत ने इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का शुक्रवार को तीसरी बार सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से सुबह करीब 10:25 पर मिसाइल का तीसरी बार सफल परीक्षण किया। इसके 2 सफल परीक्षण गुरुवार को किए गए थे, जिसमें पहले परीक्षण के तहत मिसाइल से अधिक ऊंचाई में एक लक्ष्य को निशाना बनाया गया और दूसरे परीक्षण में कम ऊंचाई वाले लक्ष्य को निशाना बनाया गया। रडार की सहायता से निर्देशित इस मिसाइल ने एक चालक रहित विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ताइवान ने चीन की ओर दागी सुपरसोनिक मिसाइल काउशुंग। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध किए जाने के बीच एक ताइवानी युद्धपोत ने चीन की ओर एक सुपरसोनिक पोतरोधी मिसाइल गलती से दाग दी। घरेलू स्तर पर विकसित सिंग फैंग 3 पोतरोधी मिसाइल काउशुंग में एक नौसैन्य अड्डे से ऐसे समय दुर्घटनावश दागी गई जब ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन विदेश में थे। वेन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं। वाइस एडमिरल मेई ने कहा कि ताइवान की मिसाइल ने ताइवान जलनबरू मध्य की मध्य रेखा को पार नहीं किया। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।